हेलो दोस्तों, आज हमारा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी आए हम लोग बारकोप, और अभी आपको एक रोमांचक चीज़ दिखाने वाले हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बारकोप में एक खंडहर था राजा जी का, तो वो खंडहर आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो खंडहर बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका अस्तित्व बहुत है। तो चलिए आपको दिखाते वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आ गए योगिनी मंदिर के पीछे, शिव मंदिर, जिसके पीछे वाले रास्ते पर एक दुर्गा मंदिर पड़ता है। वो जो सामने में आपको मंदिर दिख रहा है, वही दुर्गा मंदिर है। पहले हमने सोचा कि ये दुर्गा मंदिर नहीं हो सकता है, फिर हमने आगे जाके देखा तो हमें पता चला यही दुर्गा मंदिर है। फिर हमारा मन भटका कि ये रास्ता शायद हो सकता है, तो हमने फैसला किया कि हम दुर्गा मंदिर में ही जाके किसी से पूछेंगे। तो हम धीरे धीरे, मैं और मेरे दोस्त, आगे बढ़ते गए और कुछ ही देर में हम दुर्गा मंदिर के पास पहुँच गए। जब तक मेरे दोस्त आगे गए पूछने के लिए कि किधर खंडहर है, तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा आगे का व्यू ले लूँ दुर्गा मंदिर का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दुर्गा मंदिर बारकोप का ही है, जहाँ की बहुत भव्य मेला लगता है। तो अब मेरे दोस्त वहाँ पहुँच चुके थे पूछने के लिए, तो मैंने कहा उससे कि पूछो कि किस तरफ है वो। तो मेरा दोस्त पूछने के लिए गया, तो इन लोगों ने कहा कि इस तरफ है, पीछे तरफ। तो हम बिना देर किए हुए पीछे की तरफ गए। तो अब हम दोस्तों घुस चुके हैं अंदर। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि कितना पुराना खंडहर है, जहाँ की नक्काशी आप देख सकते हैं कितना पुराना है। इस तरह का डिज़ाइन पहले कभी देखा नहीं था दोस्तों। तो इस तरफ में से शायद किला वगैरह हुआ करता था, और इस तरफ में है सीढ़ी जो कि सीधा छत की ओर जाता था। तो हमने बिना देरी किए हुए छत के ऊपर चढ़ा, और वहाँ से आपको व्यू दिखाने का कोशिश करते हैं। ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा घना जंगल होगा, लेकिन आगे से दिखाने के बाद बहुत ज़्यादा घना जंगल जैसा दिख रहा था। तो ज़्यादातर महल वगैरह नहीं दिख रहा था दोस्तों। तो बस ऐसे ही व्यू आपको ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं नीचे जाकर सारा व्यू आपको दिखाता हूँ। ये जितना भी मोटी मोटी दीवारें देख रहे हैं दोस्तों, कभी ये छत हुआ करते थे, तो ये अब शायद ध्वस्त हो चुके हैं। ये दीवार ज़्यादातर चूना पत्थर से बनाए गए थे, और ईंट अभी भी सुरक्षित थी। तो हमने फिर बिना देर किए हुए इस तरफ का रुख किया, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये शायद कुछ अलमारी वगैरह का जैसा लगता था, जो कि अभी धस चुका है मिट्टी। तो ये पूरा पहले बना हुआ था अलमारी वगैरह। हमने इसका वीडियो शूट किया, उसके बाद हम थोड़ा दूसरी तरफ की ओर गए। तो इधर हमने देखा कुछ नक्काशी वगैरह जो कि बहुत पुराने दिख रहे थे दोस्तों, और ये कभी आला हुआ करता था जिसमें कि दिया वगैरह जलाते थे। इस तरफ आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह के तभी वेंटिलेटर और खिड़की हुआ करते थे दोस्तों, जबकि हमारे घर में ऐसा पहले हुआ करता था मिट्टी के घरों में। तो इस सब में कभी दिया जलाया करते थे, ये हो गया वेंटिलेटर, और ये हो गया दरका, जिसको हम लोग गांव में दरका बोलते थे, जिसमें कि सारा सामान वगैरह या कुछ छोटी मोटी सामान रखा जाता था। तो आगे आपको दिखाते दोस्तों, इस तरफ से हम फिर थोड़ा देर गए, तो इधर हम लोग को समझ में आया कि ये कभी रसोई घर हुआ हो सकता होगा, क्योंकि इधर में बहुत ज़्यादा काला पड़ा हुआ था। उसके बाद हम गए तहखाने के अंदर, जहाँ कि सिर्फ पत्थरों से बना हुआ था। इस तहखाने में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें दोस्तों, बस तहखाने में बस अंधेरा था और कुछ था नहीं। तो उसके बाद मैं दिखा देता हूँ इसको बनाया कैसा गया है। पहले इसमें चूना पत्थर और कुछ लकड़ी के द्वारा, इसमें शिला पटिया जो बोलते हैं हम लोग गांव में, उस शिला पटिया के द्वारा बनाया गया, जो कि अभी भी थोड़ा मोड़ा संरक्षित है। तो पहले आप देख सकते हैं कि इस तरह का स्तंभ पहले हुआ करता था। इस जगह पे मंदिर है, मंदिर अभी भी पूजा होता है आदमी के द्वारा, और इधर से ही सब का रूम है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।